के कोयम्बटूर में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल को एक फूड डिलीवरी वैन को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल फूड डिलीवरी मैन को थप्पड़ मार रहा है। आपको बता दें, फूड डिलीवरी मैन का नाम मोहन सुंदरम है, जो पिछले 2 वर्षों से स्विगी में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम एक महिला और एक पुरुष सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक स्कूल वैन ने महिला यात्री को टक्कर मार दी। महिला के साथ चल रहे पुरुष ने वैन को रोकने की कोशिश की। ये देखकर मोहन सुंदरम ने कथित तौर पर अपनी बाइक स्कूल वाहन के सामने रखकर वैन को रोकने का प्रयास किया। स्कूल वाहन के सामने बाइक रखने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी भड़क गया और उसने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ट्रैफिक पुलिस वाले डिलीवरी बॉय को कई थप्पड़ मार रहा है। मोहन सुंदरम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसकी बाइक की चाबी और हेडसेट भी छीन लिए। अब प्रशासन ने कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में स्थानांतरित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडीटीवी भारत।